यहाँ बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, किंतु दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी यहाँ दलितों, खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में मैं विशेषकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले अधिकारों में से सरकारी नौकरियों में, विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में लगी हैं, निष्प्रभावी बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस व बीजेपी आदि की रही सरकारों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इन वर्गों के लोगों को बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।